हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जी हां दोस्तों, दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, कहीं पर भी हो, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग बहुत सारे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और वो ये चाहते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग से आए अपने दूसरे आगमन पर, जब उनका रैप्चर हो, तब वो पवित्र लोग जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं स्वर्ग में उठाए जाएं। ऐसे बहुत सारे लोगों की मनसा है कि हम भी पवित्र जीवन जिएं और प्रभु यीशु मसीह के आने पर उसके संग स्वर्ग में जाए। और यही एक मसीह विश्वासी का काम भी होना चाहिए कि वो अपने जीवन को निरंतर पवित्रता में चलाए, प्रभु पे आश्रित रहे, ताकि जब यीशु मसीह आए उस समय वो आपको अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नाम के मसीह रह जाएं और यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतरे अपने स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा में, तो वो आपको लेकर ना जाए। तो मेरे प्रियो, इसके लिए जरूरी है कि आप और हम सभी लोग अपने जीवन को निरंतर परखें, निरंतर देखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और जैसा वचन बताते उस प्रकार का जीवन जिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो ही हम यीशु मसीह के संग स्वर्ग जा पाएंगे। और बहुत जरूरी है कि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पे हो, क्योंकि मनुष्य डगमगाता कब है? जब उसके जीवन में मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तब मनुष्य डगमगाने लगता है, तब मनुष्य का जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर से वो कमजोर होने लगता है। और इस बात का फायदा शैतान उठाकर आपको प्रभु से दूर कर देता है। इसीलिए जरूरी है कि आप निरंतर प्रभु पे भरोसा रखें, उसके ऊपर आस बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। आपके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर आपको संभालते हैं, वो आपको उठाकर खड़ा करते हैं। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में सारी बातों में जो भी शैतान आपके जीवन में लेकर आता है उससे छुटकारा देंगे। तो आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रभु हम सबसे क्या बातें करते हैं। देखिए, राजा दाऊद के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। वो राजा बनने के बाद भी अपने राज्य में नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि शैतान उसके जीवन में कार्य कर रहा था। और शाऊल राजा जो था वो नहीं चाहता था कि दाऊद राजा बने, उससे चिढ़ रखता था। और इस प्रकार दाऊद भागा भागा फिरता था इधर से उधर, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर से नहीं हटा। वो परमेश्वर पे विश्वास करता रहा। उसे पता था मेरा परमेश्वर जिसने मुझे राजा का अभिषेक किया है, वो जरूर मुझे राज सिंहासन देगा और उस पदी पे मुझे बिठाया है और वहां तक पहुंचाएगा। और इसी प्रकार दाऊद परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए जीवन को जीता है, हर एक मुसीबत में, हर एक परेशानी में जीता है। और यहीं पे हमें कुछ वचनों को देखते भजन संहिता में जहां राजा दाऊद ने लिखा है, आज हम उन वचनों को पढ़कर परमेश्वर के उस महान कार्य को अपने जीवन में महसूस करेंगे और हम भी उस तरह से जीवन जिए, यही परमेश्वर की इच्छा है। तो मैं पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 23 अध्याय, उसमें राजा दाऊद इस प्रकार लिखते हैं पहले आयत में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर पर आश्रित हो जाते हैं तो आपको घटी कमी हो ही नहीं सकती। इस संसार में जिन वस्तुओं की आपको जरूरत है, जिनके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, परमेश्वर यूं ही वो आपको दे देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जीवन में होनी चाहिए, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना चाहिए। सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज आप करिए, सांसारिक वस्तु अपने आप आपको मिलती चली जाएंगी। इसीलिए राजा दाऊद यहां पर कहता, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। मेरे प्रियो, आज आपका चरवाहा कौन है? आपका चरवाहा कौन है, ये आज आपको देखना होगा। आप किसके अनुसार चलते हैं, किसकी बातों पर चलते हैं? देखिए, चरवाहा का अर्थ होता है चराने वाला, यानी कि अगुवाई करने वाला, अच्छी जगहों पर ले जाने वाला। यदि आपका यहोवा चरवाहा है तो वो आपको अच्छी अच्छी वस्तुओं की जगह पर लेकर जाएंगे। और यदि संसारिक बातों में आप अपने चरवाहों को ढूंढेंगे तो आप अनंत काल के नरक की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन को परखें। और दूसरे हाथ में दाऊद इस प्रकार कहते हैं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, राजा दाऊद कहते हैं परमेश्वर ही है जो मुझे उत्तम उत्तम जगहों पर लेकर जाता है, वही है जो मेरे जीवन में कार्य करता है, हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, सुखदायी जल के झरने के पास मुझे ले चलता है। वो परमेश्वर है जो आपके जीवन को बुराई से हटाकर अच्छाई में लेकर जाएगा। यदि आज आप पाप का जीवन जीते हैं, यदि आपके जीवन में परेशानी है, प्रॉब्लम्स है और आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, तो प्रभु के पास आइए, परमेश्वर आपको उससे निकालेंगे,
परमेश्वर आपको उन जगहों पर लेकर जाएगा जहां पर शांति है, आनंद है। प्रभु अपने मार्ग पे आपको खुद चलाएंगे। जरूरत है तो आप उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। जिस प्रकार दाऊद कहता है मुझे अपने यहोवा पर विश्वास है और वो मुझे चराता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो आज यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपको चराएगा। 3 आयत में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। जब आप दुखी हो जाते हैं, जब आप परेशानियों से थक जाते हैं, आपको कोई और मार्ग दिखाई नहीं देता, तब परमेश्वर आपके जी में जी लेकर आता है। आपको तसल्ली कौन देगा? परमेश्वर आपको तसल्ली देते हैं। दाऊद कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है, जब मैं दुखी हो जाता हूं, अपने ही लोगों से सताया जाता हूं, उसके खुद के लोग उसे सताते हैं, तब वो परमेश्वर से कहता है प्रभु मैं मेरे जी में जी लाने वाले आप हैं। मेरे प्रियो आज अगर आपके जीवन में आपके ही लोगों के द्वारा आपके जीवन में परेशानी है, आप दुखी हो रहे हैं, तो घबराइए मत, परमेश्वर आपके जी में जी ला सकता है। आप प्रभु के पास आइए, घुटने पर बैठ कर कहिए प्रभु आप ही हैं जो मेरे जी में जी ले आता है और अपने धर्म के मार्गों में अपने नाम के नियमित आपकी अगुवाई परमेश्वर करेगा। अगर आपको यीशु मसीह के वचन में नहीं चल पा रहे आप और आपको दिक्कतें हो रही, तो याद रखिए प्रभु आपको चलाएगा। आप परमेश्वर के पास आइए, वो अपने नाम के नियमित उसके धर्म के मार्ग में आपको चलाएगा। आज हर एक विश्वासी को अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार चलाना जरूरी है। और शैतान इस बात को जानता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो पवित्रता का जीवन जिएगा वो स्वर्ग जाएगा। इसीलिए शैतान हर व्यक्ति को गिराने की कोशिश करता है, इसीलिए उसके जीवन में दुख और परेशानी मुसीबतों को लेकर आता है ताकि मनुष्य घबरा जाए, डर जाए और प्रभु पर आश्रित ना होकर अपनी ही ताकत और बल लगाकर मुसीबतों से निकलने की कोशिश करे। लेकिन मेरे प्रियो यदि आप अपनी ताकत और बल लगाकर मुसीबतों से निकलने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलते हुए अपने आप को उस पर समर्पण करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे कि परमेश्वर जब मैं मुसीबत में पड़ता हूं तो आप मुझे उससे निकालिए, जब मैं परेशानी में पड़ता हूं परमेश्वर तो आप मुझे उससे निकालिए, जब मैं बीमारी में पड़ता हूं परमेश्वर तो आप मुझे उससे चंगाई दीजिए, इस प्रकार से अगर आप परमेश्वर के सामने बैठकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तो मेरे प्रियो शैतान हारेगा और आपके जीवन में परमेश्वर का काम होगा। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उसके पास आएं और उससे विनती करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। उसके नाम के नियमित आपके जीवन में कार्य होगा, यीशु मसीह के नाम के नियमित आपके जीवन में कार्य होगा। आज यीशु आपको बुलाते हैं, यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं और कह रहे अपने जीवन को मेरे हाथों में समर्पण करो, पवित्र जीवन जीने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया है, मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है जो तुम्हें हर एक बातों में अगुवाई करेगा पवित्र जीवन जीने के लिए। मेरे प्रियो दाऊद राजा के समान आज आपको और हमें होकर प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है। हमारा संपूर्ण भरोसा, हमारा संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है, वही हमें चराता है, वही हमें हरी हरी घास की चराइयों में लेकर जाता है, वही हमें सुखदायक जल के झरने पर लेकर हमें अच्छे जल पिलाता है, वही है जो हमारे जी में जी ले आता है और अपने मार्गों में चलने के लिए वही हमारी सहायता भी करता है। इसीलिए जरूरी है आप और हम प्रभु यीशु पर आश्रित हो जाए, सांसारिक बातों में मन ना लगाए, प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को करें, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है।